हे गाइस, आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक मिनी यूएसबी सोल्डिंग आयरन जो कि 5 वोल्ट पे वर्क करेगा। इसे मोबाइल के चार्जर से आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो सोल्डर वायर है किस तरह से मेल्ट कर रहा है, बिल्कुल मोम के जैसे। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इसे किस तरह से बनाया गया है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। मैं अमित, स्वागत करता हूं एन ए माइक्रो आइडिया यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बनाएंगे एक सोल्डिंग आयरन। तो गाइस, सोल्डिंग आयरन बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह का एक पेन लेंगे। तो फ्रेंड, ये जो पेन है वो ख़राब हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम सोल्डिंग आयरन बनाने के लिए मैं यूज करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मार्किंग कर लिया है। यहाँ से हम हेक्सा फ्रेम से कट कर लेंगे, आप चाहें तो किसी और चीज़ से भी कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए इसे मैं कट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छे से कट कर लिया है। अब इसकी थोड़ी सी हम सफाई भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड, मैं सैंड पेपर पर घिस के इस तरह से बराबर कर लेता हूँ। तो गाइस, अगर आपके पास सैंड पेपर नहीं है तो आप इसे दीवार पर भी घस के बराबर कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए अब इसको अभी रखते हैं साइड में। तो फ्रेंड, इसके बाद हम लेंगे एक कॉपर वायर, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पास इस तरह का एक कॉपर वायर है। तो फ्रेंड, इसके ऊपर कवर होता है इंसुलेशन का। तो चलिए इसे मैं हटा लेता हूँ। तो इसे हटाने के लिए मैं चाकू का हेल्प ले रहा हूँ। अगर आप चाहें तो शीट पेपर या सैंड पेपर से भी घस के हटा सकते हैं। गाइस, इसका कवर उतारने के बाद इस वायर को यहाँ से मैं मोड़ लेता हूँ। और इसे मोड़ने के बाद फ्रेंड, प्लायर के हेल्प से मैं घुमा के रस्सी की तरह ऐंठ लूँगा। तो दोस्तों, चलिए मैं बना के खाता हूँ कि किस तरह से बनाना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरह से हमें बना लेना है। तो गाइस, अब हमें लेना है फाइबर स्लिप पाइप। तो दोस्तों, यहाँ से मैं नाप के कट कर लूँगा। दोस्तों, ये फाइबर स्लिप पाइप आपको इलेक्ट्रिकल शॉप पे मिल जाएगा। ये मुझे 3 रुपया में 1 मीटर मिला था। गाइस, अब फाइबर स्लिप पाइप के अंदर अब हमें वायर को कुछ इस टाइप से डाल लेना है। तो गाइस, अब लेंगे एक कॉपर वायर का पतला वायर, जो कि आप देख सकते हैं इस तरह का। इसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर लगा के हमें कॉपर वायर को घुमा के बांध लेना है कुछ इस टाइप से। तो गाइस, इसके बाद अब लेंगे हम नाइक्रोम वायर, जो कि मैंने ख़राब सोल्डिंग आयरन से निकाला था। तो फ्रेंड, इसे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए इसे अब हम आपको बताते हैं इसे किस तरह से हमें लगाना है। तो फ्रेंड, जो पतला वाला कॉपर वायर हमने जो लगाया है, उस पे नाइक्रोम वायर को हमें 1 राउंड 2 राउंड घुमा के इस तरह से बांध लेना है। गाइस, कॉपर वायर से कनेक्ट करने के बाद जो फाइबर स्लिप पाइप हमने लगाया है, उसके ऊपर हमें नाइक्रोम वायर को 6 टर्न ही घुमाना है। अगर आप ज़्यादा टर्न घुमाओगे तो ज़्यादा वोल्ट पर सोल्डिंग आयरन वर्क करेगा। तो फ्रेंड, इसीलिए आपको 6 राउंड ही घुमाना है। अब हम एक और वायर लेंगे कापर का, और जहाँ पे नाइक्रोम वायर 6 टर्न एंड होता है, उसी जगह पर हम कापर वायर को बांध लेंगे और नाइक्रोम वायर को उस वायर से कनेक्ट कर लेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा वायर है उसे हम कट कर लेते हैं। अब हम 2 और फाइबर स्लिप पाइप का टुकड़ा लेंगे और ये दोनों वायरों में इस तरह से एक एक करके हमें डाल लेना है। तो चलिए इसे हम जल्दी से डाल लेते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं दोनों वायरों में हमने फाइबर स्लिप को कुछ इस तरह से डाल लिया है। इसके बाद एक एक्स्ट्रा फाइबर स्लिप लेंगे जो 2.5 का है। फ्रेंड, इस तरह से इसको अंदर डाल लेना है, और इसमें जो एक्स्ट्रा फाइबर स्लिप बच जाता है उसे चाकू से हम कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। गाइस, आप देख सकते हैं सोल्डिंग आयरन का जो एलिमेंट है वो बनके तैयार हो चुका है। एक स्टील का पाइप लेंगे, जो कि आप देख सकते हैं जो रेडियो का एंटीना होता है दोस्तों, उसमें से मैंने निकाला है। और इस एलिमेंट को इस पाइप के अंदर हम डाल लेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड, देख सकते हैं मैंने इस तरह से डाल लिया है। अब इसके बाद दोस्तों, एक डाटा केबल लेंगे, जो कि आपको घर पर आसानी से मिल ही जाएगा। दोस्तों, इस डाटा केबल में 4 वायर होते हैं, तो उसमें से रेड वाला और ब्लैक वाला वायर को हमें छोड़ देना है और 2 वायर को कट कर लेना है। गाइस, जो पेन का ऊपर का कैप है उसमें एक होल करेंगे, और इस ड्रिल से हम होल करने वाले हैं। दोस्तों, तो ये ड्रिल 12 वोल्ट पे वर्क करता है। दोस्तों, इस ड्रिल का आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए वहाँ से देख सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं इसमें होल हो गया है। अब इस होल में हम डाटा केबल को डाल लेते हैं कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड, जो पेन का कवर है उसको भी हम डाल लेंगे इस तरह से। अब आइए फ्रेंड, इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जो हमने एलिमेंट बनाया था उसमें आप देख सकते हैं 2 वायर है, दोनों वायर से कनेक्ट कर लेना है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है। गाइस, जब हम कनेक्शन करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि दोनों वायर एक दूसरे से शॉर्ट ना हो। दोस्तों, आप चाहें तो वहाँ पे टेप मार सकते हैं या फाइबर स्लिप का टुकड़ा भी वहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं फाइबर स्लिप पाइप यूज करूँगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं ज्वाइंट फाइबर स्लिप के अंदर मैं डाल दूँगा कुछ इस तरह से। गाइस, आप देख सकते हैं दोनों वायर का मैंने कनेक्शन कर लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोनों वायर एक दूसरे से शॉर्ट नहीं होगा। अब इसे हम कवर के अंदर डाल लेते हैं। गाइस, कवर के अंदर लगाने के बाद इस तरह से अब इसे हम एमसील से चिपकाएंगे। तो फ्रेंड, देख सकते हैं मेरे पास एमसील है, 5 रुपया मिल जाता है। दोस्तों, दोनों में से थोड़ा थोड़ा लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करके दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हम लगा लेंगे
तो गाइस एमसील लगाने के बाद 10 से 15 मिनट इसे छोड़ेंगे सूखने के लिए, क्योंकि दोस्तों एमसील 10 से 15 मिनट बाद ही टाइट होता है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं जो हमारा सोल्डिंग आयरन है बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। चलिए मैं आपको इसकी फुल टेस्टिंग कराता हूँ। गाइस आप देख सकते हैं मेरे पास 3 एम्पियर का एक चार्जर है और इससे मैं आपको सोल्डिंग आयरन को चला के दिखाता हूं। तो दोस्तों चलिए एसी वोल्ट इनपुट देते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड में हीट हो गया है और बहुत ही अच्छे से सोल्डर वायर को मेल्ट कर रहा है। तो फ्रेंड इसके बाद चलिए मैं कुछ कंपोनेंट भी इसे निकाल कर दिखाता हूं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।